नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो हमारे पास जो यूपी टेट का जो 8 जनवरी 2020 को पेपर आयोजित कराया गया था, उसका पीडीएफ फाइल हमारे पास प्रोवाइड हो चुका है। और इसको हम चार भागों में डिवाइड किया है। चार वीडियो इसका आएगा, जो कि पहला हिंदी होगा, विज्ञान होगा, फिर गणित होगा, फिर इसके बाद बाल मनोविज्ञानी होगा। चार वीडियो हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए से आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, जिसमें पीडीएफ फाइल जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है। तो वहाँ पे वहाँ पे जो भी ऐड होंगे वहाँ पे उनको मिल गई होंगी। इस रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी या फिर कोई भी संशय हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको दुविधा होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आज का ये जो पहला सेशन होगा हमारा वो हिंदी का होगा। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, देखते चलेंगे। एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा इसमें ज़्यादा सा विस्तार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक एक चीज़ को। हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको साथ साथ में बताता चलूंगा। मेरा इसमें पहला जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था, ये हिंदी का जो स्टार्ट हुआ था वो 31 में किया गया था, 31 नंबर से स्टार्ट किया गया था। और ये सेट डी है। देखिए इसमें कई सेट बनाए गए थे, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो आप लोग जिस जो जो आपके पास सेट हो तो आप लोग सेट उसमें मिलान कर लीजिएगा, इसके बाद देखिएगा। इसमें 31 नंबर पूछा गया कि प्रकाश प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष का मतलब होता है कि किस वर्ष सबसे पहले कौन सी आई थी इनकी रचना। तो सबसे पहले इनकी जो रचना आई थी वो मधुशाला आई थी, और दूसरी मधुबाला थी, तीसरी मधुकलश थी, और चौथी जो थी वो निशा निमंत्रण थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दो होगा वो 31 का 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि इसमें सुमिलित करना था। तो दूसरे नंबर में सुमिलित करना था, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन था पहला, दूसरा था काशी नागरी प्रचारणी सभा, और तीसरा था राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति। तो एक बार देख लीजिए, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा थी जो दो है हमारा, वो 16 जुलाई 1893 को आई थी। क्या आई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी को, यानी इसमें ए मिलान जो है वो सही करता है। और दूसरी हमारा राष्ट्रभाषा जो सभा थी, राष्ट्रभाषा सन 1936 में आई थी, यहाँ पे 1918 दिया गया है। तो एक बार आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा, या फिर आप लोगों को अगर पास है तो डॉक्यूमेंट्री उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रभाषा सन 1936 में आई थी, उसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजर्षि टंडन जी की प्रेरणा से लाया गया था। तो इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत होता है, यहाँ पे 32 नंबर, और जबकि देखा गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में आया था, तो 1910 यहाँ पे दिया गया है। तो उस बेसिक से हम अगर देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब आया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी साहित्य सी जो है 1910 में आया था, और इसके हिसाब से। और अगर हम दूसरा देखें, यहाँ पे सी पे दूसरे में है और चौथे में है। और हम दूसरा देखें तो काशी नागरी प्रचारणी, यानी दूसरा जो आया था वो आया था 1893 ईस्वी में, यानी ए, तो यानी इसमें बी है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है सी। और राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति, यहाँ पे बी के ऑप्शन 1918 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1936 जो कि रियलिटी है, तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1918 जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास के यहाँ पे रचनाकार के नाम पूछे गए थे। तो तुलसीदास के रचनाकार, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, माफ कीजिएगा, 33 नंबर, 33 नंबर जो है वो हमारा तुलसीदास के रचनाकार कौन थे। तो तुलसीदास के जो रचनाकार थे वे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा, यहाँ पे जो गलत लगा है यहाँ पे इन्होंने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो यहाँ पे इन्होंने सही लगाया है, प्रभा खेतान जो है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, तो वो प्रभा खेतान जी की है। ऑप्शन जो बी होगा यानी दूसरा होगा वो सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किसका वाक्य है, ये वाक्य है रैदास जी का। ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, यहाँ पे इन्होंने कबीरदास लगाया, तो ये कबीर गलत होगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का प्रश्न को लेकर दुविधा आती तो आप लोग उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं बेझिझक। यहाँ पे 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तत्सम देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हूबहू ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव जो कहते हैं जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यानी देशज भाषा में यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर 36 नंबर का जो सही होगा वो ऑप्शन होगा बी, यानी खेत जो होगा इसमें सही होगा, जबकि त्रिकुटी, प्रभु और नाथ ये तीनों क्या है, ये तत्सम शब्द है। ओके, गॉट इट। 37 नंबर देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब तद्भव, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो 37 नंबर का हमारा जो इसमें है धड़ाम, लाश, औरत और पतलून, तो इसमें लाश, औरत और पतलून ये तीनों तत्सम है, जबकि हम यहाँ पे धड़ाम देखे ये देशज, धड़ाम से गिर गया ये चीज होती है ना, तो वो देशज में उपयोग होता है। किसमें होता है? देशज में। तो ऑप्शन जो इसके हिसाब से ए होगा वो सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सॉरी माफ कीजिएगा, छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो ऑप्शन है वो था अयोग्य, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। दूसरा था मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये गलत है, योग्य चीज तो बिल्कुल नहीं है। छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा।
ऋग्वेद की संधि विच्छेद है, 39 नंबर है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये था, तो री प्लस वेद, ऋक् प्लस वेद, या फिर री प्लस गवेद, या फिर ऋग प्लस वेद। तो ऑप्शन जो बी होगा इसमें वो सही हो जाएगा, ऋक् प्लस वेद, इसमें जो होगा संधि विच्छेद सही हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते रहिएगा, साथ साथ में देखते रहिएगा। अगला हमारा था आप बीती शब्द का समास है, आप सॉरी आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती में देखिए कौन सा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जो पहला पक्ष होता है और दूसरा पक्ष होता है वो दोनों क्या होते हैं? प्रधान पद होते हैं। तो देखिए, और द्वंद्व समास में क्या होता है और द्विगु समास में क्या होता है? पहले आप लोग समास देखिए, इसके बाद देखिए कि आप में, आप बीती में क्या है कि आप भी अपना एक प्रधान पद है और बीती मतलब भी एक, इनका अगर अलग अलग कर लिया जाए तो इनका अस्तित्व जो होता है वो पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक को दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे इसमें हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे इसमें दिया गया है कि यदि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद अगर प्रधान होते हैं तो उसमें तत्पुरुष होता है। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व में मतलब और लग जाता है, जो दो शब्दों को आपस में विभाजित कर दे, जिसमें और लग जाता है, तथा लग जाता है, माता और पिता, इस तरह से वो द्वंद्व हो जाता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है? इसमें बहुव्रीहि है नहीं, हालांकि बहुव्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, तो उसको आप लोग एक्सप्लेन एक बार देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास इसमें ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, 40 का जो डी है वो सही है, इन्होंने सही लगाया है। घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? घोंसले, घोंसले में चिड़िया में, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक? ये वाक्य दिया गया है आपको, इसमें बताना है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ना? तो यहाँ पे क्या किया गया है, 41 नंबर का जो है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, पर अधिकरण जो होता है उसका संबंध क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, इस प्रकार से संबंध काके की, तो उसमें अधिकरण में पर, यहाँ पे में आ रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण जो चार होगा, 41 नंबर का जो डी होगा वो सही हो जाएगा। अधिकरण यदि किसी वाक्य में आता है या पर आता है तो उसमें अधिकरण होता है, कर्ता ने अगर उस किसी वाक्य में ने आता है तो उसमें कर्ता होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो हमारा 41 नंबर हमारा जो है सही हो गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिखा देखते हैं उसमें, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न 42 एवं 43 के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक, 42 एवं 43 नंबर का देखिए, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद का प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। अब इसमें रिलेटेड हम 42 और 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 42 नंबर हमारा क्या है और 43 नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं हम इसमें। तो 42 नंबर है, उपयुक्त गणदांश पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है तो किस क्षेत्र में सीमित है। तो इसको आप एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, राजनीतिक क्षेत्र तक, सांप्रदायिक क्षेत्र तक, आत्मा तक, या फिर धर्म तक। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं, ठीक है? तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा साफ साफ। 43 नंबर देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का आधार 43 है कि गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, या फिर जनसेवा और अध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, या फिर राजनीतिक, अध्यात्म और सांप्रदायिकता को। तो इसमें गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, तो गांधीवाद का जो आधार बताया गया वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। तो कनुप्रिया आपने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो कनुप्रिया के इन्होंने रचनाकार पूछा है। तो 44 नंबर जो हमारा है वो पूछा गया है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार है वो धर्मवीर भारती हैं, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। कनुप्रिया के जो रचनाकार है वो कौन है? धर्मवीर भारती। यहाँ पे रंगे राघव लगा, ये गलत होगा, ये ऑप्शन जो है वो गलत होगा। धर्मवीर भारती जो है वो कनुप्रिया के रचनाकार है। 45 नंबर हम अपना देखते हैं कि प्लुप्त स्वर कौन सा है, औम या फिर ओम या फिर ओम या फिर ओम। तो यहाँ पे देखिए 45 नंबर का जो है ओम जो है वो प्लुप्त स्वर है। अब प्लुप्त स्वर क्या होता है, इसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, उसका वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे एक बार, तो उसको भी बताया गया है। 45 नंबर हमारा हो गया। अगला 46 नंबर देख, हमारा अगला शब्द था, अगला प्रश्न था कि प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पे नहीं है। तो 46 नंबर का देखिए, लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, ये तीनों जो है वो समानार्थी शब्द हैं। देखिए प्रयोजन मतलब होता है लक्ष्य, यानी भेद करना, लक्ष्य कहते हैं प्रयोजन बना के चल रहे हैं, कार्य करना है। हेतु, किसी कार्य हेतु हमने यहाँ पे प्रयोजन उसके भी है, उद्देश्य हमारा ये है। तो ये तीनों जो है वो समानार्थी शब्द किसके हैं? प्रयोजन के, जबकि नियोजन जो है वो इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं कि ऋजु का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे ऋजु का विलोम शब्द पूछा गया है,
ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र। वक्र को ही क्या कहते हैं? ऋजु कहते हैं। सरल मतलब एक सरल रेखा, और त्रिकोण मतलब तीन अंक, सीधा मतलब वही, मतलब सरल सीधा एक ही है। तो यहाँ पे वक्र जो होगा वो ऋजु शब्द का विलोम होगा, उल्टा होगा। जबकि सरल, त्रिकोण और सीधा ये किसके समानार्थी शब्द है? ये ऋजु के समानार्थी। जबकि इसमें पूछा क्या गया है, एक बार आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में दिया क्या, पूछा क्या गया है, इसमें ऋजु का विलोम पूछा गया है। तो ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र। हमारा अगला प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विश्लेषण का, मान लीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण की निर्देश अशुद्ध है? जो विशेषण का यहाँ पे दिया गया है कि विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश जो है वो अशुद्ध है। तो देखिए, ढाई अपूर्णांक बोधक सही है, दूसरा क्रमवाचक है कर्ता ने क्रम को, और वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें जो सी होगा ऑप्शन 26 पूर्णांक बोधक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको आपको समझ नहीं आएगा, डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, तो मैं वीडियो को लास्ट में या फिर अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम काफी जाएगा। तो मैं इसको जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते चलूंगा, साथ साथ में अगर आपको जो समझ में नहीं आता है मैं उसको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो आप भला तो जग भला में सर्वनाम के किस बोध का होता है? तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे इन्होंने लगाया है, जबकि निजवाचक सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है। आप भला, इसमें देखिए आप भला मतलब निजी, खुद का बता रहा है कि आप भला तो जग भला, यानी खुद की बात कर रहा है, तो निजवाचक इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग लिंग है? देखिए पुल्लिंग है तो चील, कढ़ी, सरसों या संतान, तो आपको इसको रटना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। टेट के जो विद्यार्थी हैं उनके पास किताब होगी, बुकलेट होगी, तो उसमें बताया गया जो बुक है वो क्या है, इसमें पुल्लिंग है। इसमें काफ़ी थोड़ा सा अनभिज्ञ लगता है, इसमें पहचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर आपने पढ़ा है एक बार तभी इसको लगा सकते हैं, तो रटने की चीज़ें। खैर, इसमें तीन ऑप्शन जो होगा वो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न जो है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न 51 और 52 को सही विकल्प छाटिए। वर्धंत की पंगंति, कुंद कली अधराधर, पल्लव लोचन की चपला चमके, खन बीज जगह छवि मोती माल अमोलन की, घूंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वर्दंत की पगंती, कुंद कली अधाराधर, पल्लव लोचन की, चपला चमके, घन बीज जगह छवि मोती माल अमोलन की, घूंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस जो है, यहाँ पे उद्बोधन हो रहा है श्रृंगार रस की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, एक सेकंड। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, मतलब जो घुंघराले बाल है उनके मुख के ऊपर जो है वो कुंडलियों की तरह लटक रहे थे। यहाँ पे श्रृंगार की बात की गई है, तो आप लोग सिंपल से देख सकते हैं श्रृंगार, यहाँ पे इन्होंने श्रृंगार लगाया है। तो 51 का जो सी होगा वो सही हो जाएगा। 52 जो है, यहाँ पे उपरोक्त पद किसकी कवि, किस कवि का है? तो उपरोक्त का जो है वो तुलसीदास, यहाँ पे तुलसीदास बताया गया है। तुलसी देखिए इसमें जिक्र भी हुआ है, एक सेकंड। यहाँ पे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो सी है वो 52 का, जो 52 का जो सी होगा वो सही हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है। तीसरा नंबर हमारा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो श मूर्धन्य या फिर स दंत्य, जो स है वो दंत्य है, एक सेकंड माफ कीजिएगा। 53 का जो है उच्चारण दृष्टि से, देखिए स जो है वो मूर्धन्य में आता है, या फिर स स अगर हम बोलते हैं तो कैसा आता है, दंत लगता है उसमें, 53। और च कंठ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ट ठ ड ढ तालव्य है, हम जानते हैं अभी इसको, हमने पढ़ा भी है। च छ ज ये तलु है, और स ये दंत है, तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 53 का। इसी प्रकार से हम अपना अगला देखने लिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो देखिए इसमें अशुद्ध पूछा गया है, कौन सा है, 54 नंबर पूछा गया अशुद्ध कौन सा है? तो दो महाप्राणों व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम लास्ट में, 54 का, कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये बिल्कुल गलत है, परंपरा से भिन्न बिल्कुल नहीं हुआ है। छह संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये बिल्कुल गलत है, तो ये कथन जो है वो अशुद्ध है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम इसी प्रकार से देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पे 55 नंबर है, पुल्लिंग पहला है, दूसरा कर्ता, तीसरा बहुवचन या फिर एक वचन। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो ये पुल्लिंग लिंग है, बिल्कुल है, कर्ता है, बिल्कुल है, एक वचन है, बिल्कुल है, बहुवचन नहीं है। तो एक वचन बहुवचन देखिए यहाँ पे दोनों विपरीतार्थक है, तो इसमें मूर्खता होगी अगर आप लगाते हैं यहाँ कर्ता या फिर पुल्लिंग लगाते हैं, तो मूर्खता वाली बात होगी। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि
गड़बड़ हो जाए यहाँ पे, लेकिन एक वचन बहुवचन देखिए एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, तो डेफिनेटली दोनों में से एक ही हो गया, तो एक वचन हो गया फिर बहुवचन होगा, यहाँ पे बहुवचन जो है वह अशुद्ध है, अशुद्ध है, यहाँ पे लड़का जो है वो एक वचन का है, तो ऑप्शन जो सी होगा किसका, 55 का जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 56 देखते हैं कि राम आम खाता है में वाच में कौन सा रूप है, कर्मवाच्य है, राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, उभयवाच्य है, फिर कृतवाच्य है, यहाँ पे कर्ता कर क्या कर खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा, ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, डेफिनेटली यहाँ पे हम देखिए 57 नंबर का जो ऑप्शन श्लेष अलंकार है, यहाँ पे क्या है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून, देखिए यहाँ पे तीनों का अर्थ, यहाँ पे मोती मानुष चून यहाँ पे हमने पढ़ा भी था, तो यहाँ पे 57 नंबर का जो हो जाएगा वो ऑप्शन फोर जो श्लेष हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा, ये 57 नंबर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानुष, उन्होंने कई बार पढ़ा है, तो श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा श्लेष अलंकार सही हो जाएगा। 58 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, एक्सप्लेन भी करेंगे अभी उसको, जो रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गहन उबरे मोती मानुष, उसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे लास्ट में, लास्ट क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, 58 नंबर है, तो 58 अग्ना जो है ये शुद्ध है, जबकि चांद आंख और अंक, देखिए यहाँ पे चांद पे चंद्रमाली बिंदी लगती है, आंख पे भी लगती है, अंक पे नहीं लगता है, अंक पे सिर्फ एक बिंदी लगती है, सिर्फ एक बिंदी लगती है, जबकि इस पे क्या लगता है, चंद्रमाली बिंदी लगती है, तो अग्ना जो है वो शुद्ध रूप है, बाकी सब गलत है। 60 नंबर हम अपना देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है, तो सन्निधि या फिर समनिधि या फिर सन्निधि या फिर सन्निधि बड़ी की मात्रा, तो 59 नंबर का जो चार है सन्निधि जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, आपने वो पढ़ा भी होगा सन्निधि। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो वो समस्याओं के कारणों का सही पहचान करने, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, यहाँ पर देख लीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर, ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का सेशन था वो हमारा समाप्त हो जाता है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ फाइल चाहिए होगा तो पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, साथ ही साथ आपको अगर कोई क्वेश्चन को लेकर कोई भी अनुशंसा है या फिर इसमें आपको कोई भी लगता गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि 100% यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 100% सही है अपने हिसाब से, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है या फिर इस पे संशय है, 1936 वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 1936 वाला एक बार आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि हमने बताया था कि राष्ट्रभाषा जो आया था गांधी राजर्षि टंडन की प्रेरणा से उत्पीड़ित था राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति, वो आया था 1936 में, यहाँ पे 1918 दिया गया है, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, बाकी सब सही है इसमें, ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को पसंद आएगा, थैंक यू सो मच।